आई होप आप सभी लोग अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड एक ये आपको फ्रूट्स का ट्री दिखाने वाला हूँ। आप लोग गेस कर सकते हैं ये किस चीज़ का फ्रूट प्लांट है। ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका बोटनिकल नेम होता है पुनिका ग्रेनेटम। अब आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ पोम ग्रेनेट की, जिसकी फैमिली होती है पुनिकेसी, और साइंटिस्ट जो है इस फैमिली को लिथरेसी भी कहते हैं। इसका प्लांट का ओरिजिन प्लेस जो है वो पर्सिया यानी ईरान में बताया गया है। एंड इसकी जो प्रोपगेशन होती है वो इसको हम करते हैं रूटेड स्टेम कटिंग से या फिर एयर लेयरिंग से। इसमें कुछ फ्लावर्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके फ्लावर्स ये हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा क्या कि इसमें जो पिगमेंट होता है जिसके कारण जो रेड कलर होता है फ्रूट का वो है एंथोसाइनिन, एंड फ्रूट क्रैकिंग जो होती है इसमें वो होती है बोरॉन की कमी के कारण, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसका जो फ्रूट टाइप होगा वो बेलेस्टा होगा। इसका फ्रूट का जो एडिबल पार्ट होगा वो होगा जूसी सीड कोट। ये एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, जिसका मतलब क्या होता है, यदि हम इसकी ब्रांच से अगर जैसे ये हमारा फ्लावर है, अगर ये हमारा फ्रूट होता है इसको हम पिक कर लें और पिक करने के बाद हम अपने पास रखें, और रखने पर ये पकता नहीं है, ऑन ट्री जितना पकना होता है वो पक जाएगा। ऐसे फ्रूट जो ट्री पर ही रहकर पकते हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल रीजन, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में ही ग्रो होता है। इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, इसका जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पोमग्रेनेट है वो सोलापुर महाराष्ट्र में है, जिसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 जुलाई 2005 में, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।